डे जो है वो केवल याद करने के लिए नहीं है बल्कि इंस्पायरेशन लेने के लिए है कि बोडो जाति की सभ्यता संस्कृति साहित्य और बोडो जाति को भारत में असम में डिग्निटी देने के लिए सम्मान देने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया शहीद हुए उनको हम याद करें और उनको हम कृतज्ञता पूर्वक याद करें कि अगर वो ना होते तो शायद हमारे समाज में इतनी जागृति नहीं होती क्योंकि बोडो आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन कभी नहीं रहा वो अपने समाज को समाज में असमिया समाज में डिग्निटी दिलवाना चाहता था वो अपने बच्चों की अपनी भाषा में शिक्षा की चिंता करना चाहता था तो ये बहुत सोशियो कल्चरल डिग्निटी के लिए जो आंदोलन किया लोगों ने जो शहादत दी लोग शहीद हुए उनको याद करके हमको हमेशा याद रखना है कि हम आज जो भी हैं जो भी हमको दुनिया में आज मिल रहा है सम्मान मिल रहा है पॉलिटिकल सोशल पावर मिली है वो उन शहीदों की वजह से है इसलिए हमको हमेशा ईमानदारी से अपने समाज के लिए काम करना है हम जान नहीं दे रहे अब शहादत देने की ज़रूरत नहीं है मगर ईमानदारी से अपने समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है उसके लिए हमको काम करना चाहिए ठीक थैंक यू